हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। करनाल के आयुष विभाग में आज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, क्योंकि अपनी कई सारी मांगों के पूरे ना होने से वो बेहद नाराज थे। नारेबाजी करते हुए ये कर्मचारी करनाल के आयुष विभाग से हैं। आज ही अपने ही विभाग के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये कर्मचारी अपनी कई सारी मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं कि सरकार उन मांगों को नजरअंदाज कर रही है। ये कर्मचारी कच्चे से पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने, रुकी हुई तनख्वाह को तुरंत देने और ना जाने ऐसी कितनी ही मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आज का धरना आयुष विभाग के डीओ के खिलाफ है जी, क्योंकि हमने लगातार कई बार पिछले 3 सालों से मांग पत्र दे रहे, लेकिन आई अधिकारी बातचीत करने के भी मतलब नहीं समझ रहे। मुनासिब मांगे हमारी ये है, जो महकमे में ठेका प्रथा ला रहे हैं, ठेके पे कर्मचारी रख रहे हैं, ठेका प्रथा बंद करके डिपार्टमेंट के थ्रू उन्हें रखा जाए और जो 4 घंटे से समय घटाकर इनका 3 घंटा किया गया पार्ट टाइम कर्मचारी का, वो 4 घंटा किया जाए, समान कम समान वेतन लागू किया जाए और पिछले जो 40-40 साल के लगे हुए कर्मचारी हैं वो सेंक्शन करके इन मांगों को लेकर आज हमारा धरना है। वेतन इनका 4-4 महीने नहीं मिलता, इनको 7 तारीख तक वेतन दिया जाए और पोस्ट सेंक्शन करके सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, फुल टाइम पर कर्मचारी को फिर करते हैं, इनको न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू किया, इन मांगों को लेकर आए। इन्होंने बातचीत के लिए नहीं बुलाया हमें, जिसलिए ये धरना है और अगर आज नहीं बुलाते तो हम आगे दोबारा रणनीति बना के इनको ज्ञापन देंगे और आगे धरना या निष्काल भी किया जा सकता है। नारेबाजी करने के बाद इन सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन आयुष विभाग के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को सौंपा और उम्मीद की है कि सरकार जल्दी ही इस पर ध्यान देगी। खैर, सरकार इस पर कब तक ध्यान देती है और कर्मचारियों की मांग को कब तक सुना जाएगा, ये तो सरकार खुद बता सकती है। करनाल से कंवरजीत की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।